नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार 26 जुलाई से ही शुरू हो गया है। बता दें कि इसमें विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। बता दें कि इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्र के पहले ही दिन बजट सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई के मामलों में कार्रवाई नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि विधानसभा में विधायकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारों पर ही पीटा गया है। साथ ही मॉनसून सत्र के दौरान महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दों पर भी नीतीश कुमार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने सवाल किया, उन्हें महंगाई पर गौर करने में और कितने साल लगेंगे। बिहार में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से 3 गुना है। बिहार में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। वहीं अब मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा पहुंचे राजद विधायक मुकेश रोशन साइकिल से और राशन लूट और तेल के दामों में वृद्धि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ती महंगाई की वजह से राजद के विधायक जमकर प्रदर्शन और राज्य सरकार का विरोध जता रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी जो है अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन और हंगामे करते हुए नजर आ रहे हैं। अनोखे अंदाज में फिर विधानसभा में आप चक्कर लगा रहे हैं, क्या बात है सर? देख रहे हैं, गरीबों का अनाज खा जा रहा है लोग, अफसरशाही है, बेरोजगारी है, तेल का दाम बढ़ गया कि राशन समय पर नहीं मिल रहा है लोगों को, और गरीब आदमी जो है वो दर दर भटकता है। पूरे कोरोना काल में अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तेल का दाम जो है 100 के पार हो गया, और तभी इनका अभी तो चाचा आँख का ऑपरेशन करा के आए हैं, उनको आज दिखेगा कि तेल का दाम जो बढ़ गया है। उस दिन लगता है कि कुछ मीडिया के साथी जनता दरबार में पूछ रहे थे कि बेतहाशा वृद्धि हुआ, तो बोले कि नहीं मालूम नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। आज भी हेलमेट लगा के आए, अब उनका आँख का इलाज करा के आए हैं, बढ़िया से दिखेगा। अब कुछ दिन बाद कान का इलाज करा के आएंगे, तब जनता की आवाज़ उनको सुनाई देगी कि महंगाई चरम पर है। लगाए हुए हैं, डर के मारे लगाए हैं क्या सर? सेल्फ डिफेंस में हम लोग, अपने सुरक्षा अपने हाथ में। कल का सवाल, बिहार है, माथा फोड़ देगा यहाँ पुलिस बिहार का। कल का सवाल है, चलो हो गया, साइकिल से आए, साइकिल से आए हैं। तेल का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, इसका विरोध जता रहे हैं। चल चलो, वहीं जहां विपक्षी पार्टी लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन और हंगामा कर रही है बिहार विधानसभा के समक्ष, वहीं बता दें कि जन अधिकार पार्टी के नेता ने बख्तियारपुर में बिजली मीटर लगने के बावजूद भी बिजली की तार नहीं पहुंचने और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई को लेकर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पुरुषोत्तम कुमार ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। आपकी मेन समस्या क्या है? हाँ बोलो। देखिए पीएम सीएम सब क्यों यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे? पीएम सीएम सब झूठा निकले, वादा किए थे कि हर घर बिजली पहुँचा दिए, लेकिन आप देख सकते हैं हर घर में मीटर है तार नहीं। इसी को लेकर हम विधानसभा पहुँचे हैं, भले ही विधायक बनकर नहीं पहुँचे, लेकिन सरकार को आँख खोलने के लिए हम लोग विधानसभा पहुँचे हैं। क्योंकि आप जान क्या दिक्कत हो रही है, मीटर मीटर हर घर में मीटर लगा दिया गया है, तार है ही नहीं है, सिर्फ मीटर खामा पूर्ति कर दिया गया है। और पटना के डीएम कुमार रवि भी सम्मानित हो गए थे, उस समय पटना के डीएम कुमार रवि जी थे कि बिहार में हर जगह बिजली पहुंचा दिए, उनको बिहार सरकार भी सम्मानित कर चुके हैं। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री एवं नीतीश कुमार दोनों मंच पर एकदम चढ़ के कहें कि हर घर बिजली हमने पहुंचा दिया है। नहीं पहुंच रही है बिजली, अगर घर में रहता तो हम मीटर लेकर विधानसभा थोड़े पहुंचते। मतलब क्या हुआ, मतलब बिजली कैसे नहीं, तार नहीं है या फिर मीटर लगाया? वो अधूरा काम है, कहीं तार है तो कहीं मीटर है तो कहीं पोल है, पूर्ण रूप में बिजली कहीं नहीं है दियारा में, न कोरोना की वैक्सीन है। हम मीटर के मांग किए तो FIR की धमकी मिलता है, कोरोना की वैक्सीन की मांग करते हैं तो FIR की धमकी मिलता है। हम लोग दियारा पढ़ते हैं, दियारा में न कोरोना की वैक्सीन पर। मेरा पुरुषोत्तम कुमार नाम हुआ, पूर्व जाप प्रत्याशी बख्तियारपुर से। और बता दें कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों को मौजूद पुलिस ने हिरासत में लेकर सचिवालय थाने ले गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा के समक्ष जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था, और उसके बाद यहां से पुलिस जो है उन सभी को ले गई सचिवालय थाने लेके गई है आगे की कार्रवाई के लिए। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। नमस्कार।